तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम में एक महीने से एक भी वीडियो नहीं आ रहा था, और भाई उनकी कोई खबर भी नहीं मिल रही थी कि क्यों वीडियो नहीं आ रही है, क्या हो रहा था। तो गाइस, आज आपका भाई ये वीडियो में बताएगा कि क्या हो रहा था एक महीने से और क्यों नहीं आ रही थी वीडियो। तो भाई, आप सबको पता ही होगा कि दिलराज भाई को अपने टीम वालों ने स्कॉर्पियो गिफ्ट में दिया था। उनकी एक कार का भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में किसी को चोट तो नहीं लगी थी, पर गाड़ी बुरी तरह से टूट फूट गई थी और शायद से गाड़ी एकदम चूर चूर हो गई थी। और दिलराज भाई ये सब बुलाने के लिए कोलकाता घूमने गए थे, और तभी वीरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई स्टूडियो पर ही थे, और वो घूमने नहीं गए थे, स्टूडियो पर ही थे। लेकिन फिर जब दिलराज भाई कलकत्ता में थे, तब उनको पता चला कि वीरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई ने चैनल छोड़ दिया है, और भूपेंद्र भाई भी उनके साथ और वो स्टूडियो पर वापस आ गए थे। और वीरेंद्र भाई ने एक नया चैनल बनाया है, और वे चैनल में ब्लॉग के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 5 से 6 वीडियो डाल दी है। और इसलिए दिलराज भाई ने भी अपने चैनल पर वीडियो डाला है कि उन्होंने वीडियो में बताया कि हम अब 12 में से 10 ही बचे हैं। और दिलराज भाई बहुत दुखी थे, और दिलराज भाई ने वीरेंद्र भाई को नहीं निकाला है, वे सब फेक है। बाकी हमारे दिलराज भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।